हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसे कि देख पा रहे हैं, यह है 3 फेज इंडक्शन मोटर का कनेक्शन जो कि एक साथ पे होगा, 2 लीड पैरेलल कनेक्शन। और बाहर में जो एक चार पे जुड़ते हैं उसको एक चार पे ना जुड़ के 3 स्टार बनाएंगे, 12 लीड का 3 स्टार टोटल बनेगा और एक साथ पे लीड निकलेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो में अगर नए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए चलते हैं ड्राइंग की तरफ, आखिर तक बने रहें। ड्राइंग में जो है सारा कुछ आपको समझाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जैसे कि देख पा रहे हैं, हमने जो है कॉयल का जो है ड्राइंग कर लिए हैं। ठीक है, टोटल 12 कॉयल है, 12 कॉयल में अब जो है कनेक्शन करेंगे। यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब जो है इसका कनेक्शन करेंगे 2 लीड में। 2 लीड में किस प्रकार से कनेक्शन करते हैं, 2 लीड 3 स्टार, जिसको 3 स्टार बाहर में 3 स्टार होता है। चलिए एक एक फेज को कर लेते हैं। पहले आर वाले को करेंगे। ठीक है, आर वाले के कितना कॉइल है देख लीजिए, 1 2 3 4। एक फेज में 4 कॉइल जुड़ेंगी क्योंकि ये 1440 की मोटर है। ठीक है, चलिए हम इसको जो है पहले इसकी लेग को बड़ा कर लेते हैं। एक छोर के कनेक्शन होगी, एक एक छोर के। इसको पहले हम मार्किंग करते हैं, पहले वाले को इसको लूप पकड़ेंगे और इसमें मार्किंग करेंगे A1। ठीक है, A1। यहाँ से आप जो है 1 से 4 गिनेंगे, 1 2 3 और 1 4, इसको लेंगे। ऐसे उठा लेंगे दोनों को। ठीक है, उठाने के बाद एक पे 4 जोड़ देंगे, 1 2 3 4, ये जुड़ गया। ठीक है, अब जो है इस कॉइल का ये वाला सिरा पकड़ेंगे, इसको गिनेंगे, 1 2 3 4। इसको हम मार्किंग करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं। ये जो है A2 है। ठीक है, अब जो है इसको मार्किंग करेंगे A1 मार्किंग करेंगे। फिर से जो है यहां से 1 पे 4 गिनेंगे, पहले इसको उठा लेते हैं, 1 2 3 4। इसको ऐसे आपस में चारों कॉइल का एक एक सिरा को स्टार बना देंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, चारों को एक साथ जोड़ देंगे। ऐसे एक जो है कंप्लीट हो चुके हैं एक फेस। फिर से इसको मार्किंग करेंगे A2 हो गया ये। ठीक है, अब जो है इसको जोड़ेंगे कैसे, कुछ इस प्रकार से लेके आएंगे A1 को A1 के साथ मिला देंगे। ठीक है, ऐसे, और इसको A1 मार्किंग दे देंगे। फिर से इसको लेके आएंगे, इसको भी लेके आएंगे, इसको मार्किंग करेंगे क्या, A2। A2 हो गया। एक फेज का 2 सीरा निकल के आ गया है, A1 A2। चलिए अब जो है दूसरा फेज को कर लेते हैं, एक एक छोड़ कर करना होता है इसको।
दूसरा वाला फेस करेंगे, एक छोर के इसको कनेक्शन किया जाता है, एक छोर देंगे, दूसरे को पकड़ेंगे, सेम उसी तरीके से इसको भी लंबा कर लेंगे पेन को, देख सकते हैं। इसमें मार्किंग करेंगे, बी ऑन, फिर यहां से एक पे चार गिरेंगे, एक दो तीन चार, इसको उठा लेते हैं सभी को, ठीक है, एक दो तीन चार, एक से चार जोड़ दिए, ठीक है। इसको मार्किंग करेंगे, बी टू, ठीक है। फिर से यहां से गिनेंगे, एक दो तीन और एक चार, इसको मार्किंग करेंगे, बी ऑन, बी ऑन मार्किंग करेंगे, बी ऑन हो गया। अब जो इसका ये वाला सिरा लेंगे, यहाँ से गिनेंगे, एक दो तीन चार, इसको ऐसे जोड़ देंगे, ये हो गया, इसको भी हो गया, ये चारों लीड का एक स्टार हो गया, एक दो तीन और एक चार, चारों लीड का एक स्टार हो गया, दो फेज कंप्लीट हो चुका है। अब जो है तीसरी फेज को बनाएंगे, फिर से एक छोड़ के इसको लिए हैं, फिर से इसको छोड़ के इसको लेंगे, इसको फिर से मार्किंग करेंगे, सी, सी ऑन, यहां से गिनेंगे, एक दो तीन चार, पहले इनको उठा लेते हैं ऊपर, ये देख सकते हैं हमने उठा लिया है। अब एक दो तीन चार ऐसे इसको लगा देंगे। अब जो है यहाँ से मार्किंग करेंगे, सॉरी दोस्तों इसको यहाँ से जोड़ दिया है, यहाँ से जोड़ना था, ये आपस में ही जुड़ेगा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, एक दो तीन और एक चार, स्टार बन गया, सी ऑन, यहाँ पे सी टू होगा, सी टू, ठीक है। फिर यहां से गिनेंगे, एक दो तीन और एक चार, यहाँ पे सी ऑन मार्किंग करेंगे, सी ऑन, ठीक है। अब यहां से गिनेंगे, एक, देख सकते हैं, एक दो और एक तीन और एक चार, यहां से सी टू मार्किंग करेंगे, क्योंकि कॉइल जो है घूम के आता है, इसीलिए इसको चेन वाइंडिंग बोलते हैं। यहां से सी टू हो गया, फिर से जो है एक दो तीन चार, इसको ऐसे आपस में जोड़ देंगे, ये तीनों फेज जो है कंप्लीट हो चुका है। अब जो है सी वन सी टू को ऐसे ही लगा लेते हैं, पहले
ये बी वाले फेस को लगा लेते हैं। बी ऑन हो गया, यहां से बी ऑन लेंगे, इसको मार्किंग करेंगे बी ऑन, ठीक है, ये देख सकते हैं बी ऑन। अब जो है दूसरे वाले से को इसको मार्किंग करना भूल गए हैं, मार्किंग कर देते हैं पहले। बी टू ऐसे ले लेते हैं, ये हो गया बी टू। जो है सी वाले फेस को लगाएंगे, ये सी वन को ले लेते हैं, ये सी ऑन हो गया। ये हो गया सी टू। ये जो है तीनों फेस की कनेक्शन जो है कंप्लीट हो चुका है, तीन स्टार बन गया, एक दो तीन, चारों लीड का एक एक कनेक्शन है, चारों लीड को एक साथ जुड़ के थ्री स्टार बनाएंगे इसका। और टू लीड पैरेलल कनेक्शन, कनेक्शन को अगर गिनेंगे तो एक पे सात आएगा, जैसे कि गिना कर देखा दिखा देते हैं आपको, एक दो तीन चार पाँच छ और एक सात, एक साथ पे आ गया। इसको भी गिनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात, देख सकते हैं सेम इसी तरीके से सब कनेक्शन जो है टू लीड पैरेलल कनेक्शन में होता है। यहाँ से अब इसको निकाल लेते हैं फेस को, ये हो गया बी टू, ये हो गया बी ऑन, एक फेस की वाइंडिंग बी ऑन और बी टू हो गया। अब जो है इसको कर लेते हैं, ये हो गया सी टू और ये हो गया सी वन। ये हो गया ए टू, ये हो गया ये ऑन, ठीक है। तीनों फेस का छह लीड निकल गया है, ये एक फेस ये ऑन है ए टू, और ये दूसरा फेस सी ऑन सी टू, ये है तीसरा फेस
बी ऑन बी टू। इस कनेक्शन का जो है स्क्रीनशॉट बना लीजिए ताकि कनेक्शन करने में आपको आसानी हो। आपको समझ में आता है ठीक है, नहीं तो नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके बता सकते हैं, समझाने की कोशिश करेंगे दूसरे किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो जो है यही तक था। जय हिंद, जय भारत।